गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर EVS क्लास फॉर BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड योर टुडेज टॉपिक इज़ सॉइल पोल्यूशन। इन जनरल सेंस, सॉइल पोल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होगा? टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से होगा, और वी कैन से पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स, है ना। ये हाई कॉन्सेंट्रेशंस में होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल्स इन सॉइल इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस, इट प्रेजेंट्स रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को भी रिस्क है, एंड इकोसिस्टम या और इकोसिस्टम। इट इज मेनली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। किस वजह से ये होता है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, एग्रीकल्चरल केमिकल्स की वजह से, एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। एक्चुअली सॉइल पोल्यूशन के दो सोर्सेज होते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। दो सोर्सेज हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉजेज आर पुअर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है। जितना भी वेस्ट होता है, दैट वेस्ट कैन बी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल, ठीक है। उसका पुअर मैनेजमेंट है, अगर उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूट होगा, वाटर लॉगिंग की वजह से होगा, और आपका सॉइल इरोजन सैलिनेशन की वजह से, देन डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर ऑल द डायरेक्ट कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ये डायरेक्ट कॉजेज थे, एंड वी कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉजेज, दैट कैन बी एसिड रेन एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड देर आर लॉट ऑफ कॉजेज, ठीक है, विच आर अनलिस्टेड बिलो, विच वी विल सी वन बाय वन, ओके। हम एक एक करके उन कॉजेज को देखेंगे जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है, सॉइल पोल्यूट होती है। तो उसका पहला कॉज है इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। द पोल्यूटेंट्स आर मेनली डिस्चार्ज फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत सी इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज होकर आते हैं, एंड दे अफेक्ट द चेंज एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ठीक है। जिसकी वजह से सॉइल की केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या होगा, हजारडस केमिकल्स कैन एंटर इनटू अ ह्यूमन, कैसे, फूड चेन की वजह से, है ना, फूड थ्रू फूड चेन फ्रॉम द सॉइल और वाटर, डिस्टर्ब द बायोकेमिकल प्रोसेस एंड फाइनली लेड टू सीरियस इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ पे भी सीरियस इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकंड है अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट इंक्लूड बोथ, ठीक है, कमर्शियल एंड डोमेस्टिकल वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ड्राइड स्लज यानी कि थिक सॉफ्ट वेट मड, ठीक है। ये थिक होता है, मोटा होता है, सॉफ्ट भी होता है, लेकिन मड होता है, ठीक है। गीला गीला जो गीली गीली जो मतलब मड होती है ना, मोटी मोटी, उसको बोलते हैं स्लज, ड्राइड स्लज। एंड सीवेज, सीवेज मोस्टली रिलेटेड टू वेस्ट, वाटर वेस्ट, और विच कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो अर्बन वेस्ट। देन नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मर्स ऑफन यूज हाईली टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स से छुटकारा पाने के लिए जो कीड़े वगैरह होते हैं, वो हाईली जो टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका यूज करते हैं, ठीक है। फंगा एंड बैक्टीरिया फ्रॉम क्रॉप्स, ठीक है, या उनकी क्रॉप्स पे जो भी फंगा है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी इंसेक्ट्स हैं, वो ना लग पाएं, ठीक है। उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे बचने के लिए, दे यूज टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देन प्लांट्स क्या करते हैं, उसमें से कुछ पेस्टिसाइड्स को, कुछ फर्टिलाइजर्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब्स मैनी ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स, एंड वेन दे डिकम्पोज, जब वो डिकम्पोज होंगे तो कहाँ जाके मिलेंगे, सॉइल के अंदर, है ना। दीज केमिकल्स आर एडिड टू द सॉइल, एंड दीज टॉक्सिक केमिकल्स रिमेन इन द सॉइल, एंड दे मिक्स विद वाटर एंड स्लोली रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सॉइल, ठीक है। जब उसमें मिल जाएंगे तो उसकी जो बायोलॉजिकल जो फर्टिलिटी है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, वो सब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती हैं,
ठीक है, तो थर्ड हो गया आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देन नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज आर डम्प्ड इनटू द सॉइल। दिस गिव्स राइज टू न्यूक्लियर डस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जब न्यूक्लियर टेस्टिंग, जब जब लैब्स वगैरह में कोई टेस्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ से एक्सप्लोशन होता है ना उनका, तो दिस गिव राइज टू न्यूक्लियर डस्ट, उससे न्यूक्लियर डस्ट होगा एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा विच इवेंचुअली पेनिट्रेट इन टू द सॉइल एंड एक्यूमुलेट कॉजिंग लैंड या फिर सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स। एवरी ह्यूमन प्रोड्यूसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्सनल वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय वे ऑफ यूरिन एंड फीसिस। इसमें क्या होता है, ह्यूमंस भी क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ पर्सनल वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसिस। ठीक है, वी ऑल डू दिस। देन सॉइल गेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड बर्ड्स एक्सक्रेटा। ठीक है, ये सब कहाँ जाके मिलता है, सॉइल के अंदर मिलता है ना, एंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। देन नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ मटीरियल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की सरफेस से, ठीक है, या अर्थ जो अर्थ सरफेस होती है उसके अंदर से जो मिनरल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस एक्टिविटी को माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये एक्टिविटीज होती हैं तो क्या होगा, केमिकल जो कंटामिनेंट्स होते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो सॉइल की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटीज भी एक कॉज है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, देन नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स। ईच हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस टन्स ऑफ गार्बेज एवरी ईयर, बट नेचुरल है, अंडरस्टूड है ना। गार्बेज लाइक एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, पेपर, क्लोथ, वुड इज कलेक्टेड एंड सेंट टू द लोकल रिसाइकलिंग यूनिट एंड आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द लैंडफिल्स एंड कॉज लैंड पोल्यूशन। ठीक है, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है उसके लिए जो आइटम्स भेजे जा सकते हैं वो तो भेज दिए जाते हैं, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड वो क्या करते हैं, दैट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द लैंडफिल्स एंड कॉज लैंड पोल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है एसिड रेन। इट इज कॉज्ड व्हेन पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर मिक्स विद द रेन एंड फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जो एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं, रेन पे, रेन के अंदर। ठीक है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं और वो कहाँ जाके गिरती हैं, रेन ड्रॉप्स ग्राउंड में ग्राउंड के ऊपर गिरती हैं एंड दिस पोल्यूटेड वाटर डिजोल्व्स अवे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द सॉइल एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो एसिड रेन भी एक मेन कारण हो गया आपका सॉइल पोल्यूशन का। देन नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। हाउ, ड्यू टू अर्बेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, जब अर्बेनाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा, है ना, विच हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज वेस्ट आर्टिकल्स लाइक वुड, मेटल, ब्रिक्स, प्लास्टिक्स विच आर डायरेक्टली थ्रोन इन टू द ओपन एरियाज। देन नेक्स्ट है आपका डंपिंग ऑफ वेस्ट। A large number of consumer waste products such as broken electronics हो गया, metals हो गए, plastics हो गए and diapers are directly dumped into landfills, है ना, and the chemicals and toxic materials present in these waste pollute the soil. इन waste products के अंदर जो भी chemicals होते हैं वो soil के अंदर जाके मिलेंगे which can pollute the soil. Then next है oil leaks. Oil leaks happens during transport and storage of petroleum products. ठीक है, oil leaks से क्या होता है, oil leaks क्या होता है, oil leaks happens during transport and storage of petroleum products. ठीक है, the leaks and spills led to the discharge of petroleum and chemical
chemicals into the soil, causing the deterioration of soil quality and make it unfit for cultivation. जब पेट्रोल वगैरह केमिकल्स वगैरह सॉइल में जाके मिल जाएंगे तो वो सॉइल की जो जो जब सॉइल कल्टीवेशन के लिए इतनी फिट नहीं रहेगी, ठीक है, दैट विल बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है. और ज़्यादातर सॉइल लीक्स ऑयल लीक्स वगैरह जो पेट्रोल लीक्स वगैरह कब होते हैं, ट्रांसपोर्ट, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उनको स्टोरेज करके रखा जाता है तब होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, तब आती हैं, है ना. तो दीज केमिकल्स कैन एंटर इनटू द ग्राउंड वाटर थ्रू सॉइल. अब ये जो लीक हो रहा है ऑयल वो कहाँ पे जाके मिलेगा, ग्राउंड वाटर में मिलेगा, है ना, थ्रू सॉइल एंड मेक द वाटर अनड्रिंकेबल कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, ठीक है. तो ऑयल लीक्स भी एक मेन कारण है सॉइल पॉल्यूशन का, ठीक है. तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज हमने देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. ओके, इसमें कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.